हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जॉइन विद दिशा। आज मैं आपके साथ ओल्ड पेंट बकेट को रीयूज़ करके एक कॉफ़ी टेबल कैसे बना सकते हैं अपने आउटडोर एरिया के लिए, वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पुराना पेंट बकेट लिया है, ये काफ़ी टाइम पहले का है तो इसीलिए थोड़ा सा गंदा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसे एक गीले कपड़े से पूरे बकेट के आउटडोर एरिया को क्लीन कर दूंगी। अब इसका हैंडल हमें रिमूव करना होगा क्योंकि हमें टेबल में हैंडल नहीं चाहिए। तो ये जो नीचे का पार्ट होता है उसको हल्का सा आप नाइफ को गर्म करके निकालोगे तो इजीली हैंडल रिमूव हो जाएगा। अब हम सबसे पहले अपने बकेट को पेंट करेंगे। पेंट करने के लिए एशियन पेंट का मैंने ब्लू कलर का ऑयल पेंट लिया हुआ है। आप ऑयल पेंट ही यूज़ कीजिए, वो काफ़ी टिकता है इसीलिए। तो अब यहाँ पे ये जो पेंट की क्लिप है वो मुझसे मिस हो गई थी, लेकिन आप देखते ही समझ जाएंगे कि पूरा हमें पेंट करना है। तो उसको ड्राई होने के लिए आप कम से कम एक दो दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। अब ये ड्राई हो चुका है, इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे इस तरह की लेसिस की मदद से। आप जिस तरह का कलर चूज कर रहे हैं उस तरह की लेसिस को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट कलर की लेस ली है, उसको मैं हॉट ग्लू गन की मदद से स्टिक करूँगी। अगर आप यहाँ पे लेस यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फ्री हैंड पेंटिंग भी कर सकते हैं वाइट एक्रिलिक कलर की मदद से। तो इस तरह से मैंने ऊपर और नीचे के पार्ट में लेसिस को हॉट ग्लू गन की मदद से स्टिक कर दिया है। अब ये जो बीच का पार्ट है उसके ऊपर मैं एक पेन के पीछे के पार्ट से इस तरह के पोल्का डॉट्स से इफेक्ट दूंगी। अब बकेट का ऊपर का जो ढक्कन होता है वो कहीं खो चुका है तो इसीलिए मैं इसके टॉप पार्ट के लिए इस तरीके का पुराना स्टील का बर्तन यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी पुराना हो चुका है इसीलिए इसको मैं यहाँ पे एक्रिलिक कलर से पेंट कर दूंगी। अगर आपके पास पेंट बकेट का ढक्कन है तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पर जुगाड़ किया हुआ है। तो अब ये ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली और हमारा एक कॉफ़ी टेबल रेडी है। इसे आप अपने बालकनी में कॉफ़ी टेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये इतना हैवी है कि आप अपने घर के अंदर इसके ऊपर सीटिंग भी कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपना छोटा मोटा सामान स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे किस तरह से रीयूज़ करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे DIY आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।